शिक्षा विभाग में कार्यरत अधीक्षक शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज 22/10/2021 की गुड न्यूज, डीएलएड फ्रॉम एनआईओएस अप्लाई यूपी टेट कोर्ट लेटर। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। वेलकम साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए, या जो जिन्होंने NIOS से DLED किया है, उनके लिए साथियों बहुत बड़ी खबर है और उनकी समस्या का समाधान कोर्ट ने कर दिया है साथियों, क्योंकि अब वो यूपी टेट में अप्लाई कर सकेंगे और वो टेट की परीक्षा दे सकेंगे और शिक्षित और शिक्षक बन सकेंगे। साथियों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। साथियों, NIOS से DLED करने वालों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है, कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है और उन्होंने साफ साफ आदेशित किया है कि NIOS से DLED करने वाले, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों या पैरा टीचर, कुछ भी हों, कोई भी हो, वो अब TET में या CTET में बैठ सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे और CTET UPTET की परीक्षा देके SuperTET देकर शिक्षक बाकायदा बन सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा समाचार आया है। काफ़ी समय से सारे लोग असमंजस में थे, जिन लोगों ने, जिन भाई बहनों NIOS से DLED किया था, हमारे अनुदेशक, काफ़ी अनुदेशक भाई बहन हैं, उनको विभाग द्वारा NIOS DLED करवाया था और उन्होंने किया था और बहुत ही चिंतित थे कि हमको TET में बैठने को मिलेगा या नहीं, लेकिन अब क्लियर हो चुका है आदेश। आप देख सकते हो ये जो है 22 तारीख का आदेश है और इसमें साफ साफ ऑर्डर किया गया है कि उनको परमिशन दी जाए और वो अप्लाई किए, परमिशन दी है कि उनको भी एग्ज़ामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, UPTET में बैठ सकेंगे NIOS से DLED करने वाले भाई बहन, यानी कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने NIOS से DLED किया है, वो प्रशिक्षु अब बैठ सकेंगे UPTET के एग्ज़ाम में, उनको बाकायदा अन्य लोगों की तरह भी बैठने का मौका मिलेगा और वो परीक्षा दे सकेंगे। तो साथियों, मेरे बेस्ट विशेस इस चैनल के माध्यम से आपके हर सपने को पूरा हों, आपके सपने पूरे हों और आप इसमें बैठे। एक और समाचार है, यहाँ पर कार्यालय जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से शिक्षा मित्र अनुदेशक अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय माह अक्टूबर 2021 के भुगतान हेतु उपस्थिति आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि मान सकते हैं प्रदेश के समस्त जनपदों में ये आदेश जारी हो चुका है कि वो जल्द से जल्द 25 तक, यानी 25 अक्टूबर तक सबकी उपस्थिति पहुंचा दें ताकि उनका समय से मानदेय भेज दिया जाए, क्योंकि साथियों दिवाली का त्यौहार है और उससे पहले आपके खातों में मानदेय पहुंच जाए, इसके लिए विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के खातों में जल्द से जल्द अक्टूबर माह का मानदेय पहुंचा दिया जाए, इसके लिए आदेश जारी हो चुका है और कई ज़िलों के मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आज हमको प्राप्त हुआ है 22/10/2021 में अमेठी से, तो उन्होंने आदेश किया है साथियों। और नई शिक्षा नीति में हमारे लिए बहुत कुछ है और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें, हर समाचार सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम, क्योंकि हमारा चैनल सत्य और प्रमाणिक समाचारों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।